नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नई वैकेंसी देखने जा रहे हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। जानिए उस वैकेंसी के बारे में, क्या है, क्या आप उसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। सारे डिटेल एक साथ मेरे साथ देखिए, क्या होने वाला है, क्या आप ये वैकेंसी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी बात पता चल जाएगी। तो ये वैकेंसी है दोस्तों, इंडियन आर्मी ने निकाली है। तो इंडियन आर्मी की ये वैकेंसी है, कहाँ की है ये आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। और देखिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया रहता है, इसके होम में सारी चीज़ें, ये आपके जेरो और एनरोलमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए, जो नोटिफिकेशन आया है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। चलिए, ये आपके एक रैली रिक्रूटमेंट है, इसमें आपके रैली आयोजित होगी जिसमें आपको दौड़ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी। तो देखते हैं हम इस वैकेंसी के बारे में। चलिए, सबसे पहले इंडियन आर्मी ने ये एक रैली नोटिफिकेशन जारी किया, जो अलवर रैली आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस अलवर राजस्थान द्वारा जारी किया गया। तो दोस्तों, ये अलवर रिक्रूटमेंट द्वारा आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट कहाँ कहाँ के भाग ले सकते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो देखिए, राजस्थान की रैली है ये, रैली डेट देख लेते हैं इसमें। तो आर्मी रिक्रूटेड हेल्ड अलवर राजस्थान फ्रॉम 20 अप्रैल से 15 मई 2000 ऑनलाइन, जो इसका रजिस्ट्रेशन वो चालू है आपके, है ना। 20 मई तक आप इसमें कर सकते हैं, ध्यान रखिए 20 अप्रैल से 15 मई तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। एंड इट विल बी ओपन फ्रॉम 20 फरवरी से 6 अप्रैल तक। सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं पास के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। और आपके 20 फरवरी से ओपन हो जाएगा पोर्टल, इसमें ध्यान रखें। और रैली आपके 20 से अप्रैल से 15 मई के बीच में आपके ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो ये मुख्य मुख्य बातें इसकी, आगे देखते हैं। रीजन, कौन कौन इसमें बढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ के इसमें जो नौजवान है वो इसमें भर सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा और अलवर डिस्ट्रिक्ट के सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेड्समैन जो 8वीं और 10वीं पास है वो इसमें बढ़ सकते हैं, है ना। 20 अप्रैल से 15 मई के बीच में ये रैली आपके हेल्ड होगी। और इसके अलावा 20 फरवरी से 6 अप्रैल के बीच में आप पोर्टल पर क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, इस बात का ध्यान रखें। और उसके थ्रू फिर आपके एडमिट कार्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो आपका ईमेल एड्रेस आप वहाँ डालेंगे। ईमेल एड्रेस नहीं डाला हुआ तो आप ईमेल एड्रेस बना ले अच्छे से, फिर उसके बाद ही अप्लाई करें आपको, जिसमें आपका उसको रैली कहाँ होगी, उसका क्या समय होगा, वो एडमिट कार्ड के अंदर सारा लिखा हुआ रहेगा। और अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन भरने में असफल हो जाता है तो वो रैली में भाग नहीं ले पाएगा, इस बात का ध्यान रख ले आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट आपके क्या रहेगी, क्वालिटी रिक्वायरमेंट में देखिए आपकी सारी चीज़ें बताते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपको क्या चाहिए, 17.5 साल से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और आर्मी के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो गिवन पारा 7 के अंदर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट और आपका वेट, जो वेट है उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे आपके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 10वीं पास हो 45% के साथ में, ये सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, और हर सब्जेक्ट के अंदर आपके 33% नंबर हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई ग्रेड सिस्टम है तो आपके डी ग्रेड वगैरह होना चाहिए, और नहीं तो 33% आपके हर सब्जेक्ट में होना चाहिए ओवरऑल ये ग्रेडिंग के साथ में, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब सोल्जर टेक्निकल के लिए देख लेते हैं अपन। टेक्निकल जो ओनली टेक्निकल पोस्ट के लिए भर रहे हैं, 17.5 से 23 साल होनी चाहिए उम्र, 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के जो जन्म डेट वाले उनको ले रहे हैं। हाइट वही 170 है, मेडिकल स्टैंडर्ड वही हाइट और वेट का जो रेशियो है आपके, और 77 आपके सेंटीमीटर आपको ये होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाओ पे आपके 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसमें 10वीं प्लस 2 मतलब 12वीं इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश, इसमें आपके 50% नंबर हो इन चार सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर, और एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, 40% सब में आपके नंबर होने चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एग्रीगेट जो चीज़ें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन, इसमें आप 10वीं पास हो और इसमें 17.5 से 23 साल, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और 1 अक्टूबर 1998 से 2004 वही 170 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर इसमें आपके ट्रेड्समैन का जो मांगा है, इसमें थोड़ा सा कम है आपके सीना जो है, और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। सिंपल 10वीं पास हो
और इसमें एग्रीगेट परसेंटेज की जरूरत नहीं है, केवल हर सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर आए हुए हों। अगला देखते हैं अपन, जो आठवीं पास की भर्ती है वो आपके सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास है। इसमें आप ड्रेसर, हेयर ड्रेसर होंगे आपके, या आप धोबी होंगे, या आप खाना बनाने वाले होंगे, या आप सपोर्ट स्टाफ होंगे, तो उन सबके लिए ये है जो 17.5 से 23 साल मांग रहे हैं, 1 अक्टूबर 1998 से 2004 1 अप्रैल, और 170 सेंटीमीटर हाइट और 76 सेंटीमीटर सीना, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में। इसके अलावा ये जो आठवीं पास वाले, ये जो हाउस कीपर, जो वहाँ छोटे मोटे काम होते हैं आर्मी के अंदर, फौज के अंदर, तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं आप। और आठवीं पास सिंपल होना चाहिए वो, है ना, ध्यान रखिए, ये हाउस कीपर केयर उनके लिए। और आठवीं में आपके 33 नंबर हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो ये इसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं अपन, तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट के अंदर आगे देखते हैं कि जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो आपका, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, या एआईसीटी से हो, या आपके स्टेट बोर्ड से हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और कैंडिडेट जो कैटेगरी है, रजिस्टर ओनली ट्रेड्स मेंशन, उसमें आप मेंशन करना आप कौन सी ट्रेड के लिए आप कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट आपको उस ट्रेड के अकॉर्डिंग है तो ही आप उसमें एप्लीकेबल आप उसमें करें। सोल्जर जो ट्रेड्समैन वाली भर्ती है उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। अब ये छूट का देख लेते हैं अपन, ठीक है। देख तो ऐसे 162 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए जो ट्राइबल एरियाज है, जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए, और 77 उनका केजी उनका फैट होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो भी है उनके लिए, देखिए ये आपके जो एक्स सर्विस मैन वगैरह है उनके लिए 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट है, चेस्ट में 1 की है और वेट में 2 किलो की है। और इसके अलावा एडोप्टेड सन जो गोद पुत्र लिया हुआ है, या कोई वार विडो जो इसका विधवा का है, जिसका आर्मी के अंदर जिसकी डेथ हो गई है, तो हाइट उसकी 2 सेंटीमीटर उसमें छूट है, 1 सेंटीमीटर आपका चेस्ट में और 2 किलोग्राम उसका इसके वेट के अंदर है। इसके अलावा जो भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी कहाँ से यूनिवर्सिटी से या किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से उसने स्पोर्ट्स के अंदर ये ले रखा है डिप्लोमा या उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उनको 2 सेंटीमीटर तो हाइट में छूट है आप ध्यान रखेंगे, और 3 आपके चेस्ट में छूट है आपके 3 सेंटीमीटर आप ध्यान रखिए, और 5 किलोग्राम का उनका वेट के अंदर छूट रहेगी। तो ये मुख्य मुख्य बातें होगी। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसको PFT बोलते हैं, ये रैली साइट पर ही होगा आपके, में डेढ़ आपके 1.6 किलोमीटर के आपके रेसिंग होगी, तो इसको आपको पास करना जरूरी है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और ये जो आपके डेढ़ 1.6 किलोमीटर जो है रैली होगी आपके, दौड़ होगी उसमें 5000, और इसके अलावा बिटवीन 5000 to 9000 फीट और 30 सेकेंड का आपका टाइम रहेगा इसमें, और इसके अलावा 9000 से 12000 के भी एडिशनल वो सेक्शन रहेंगे। ऑल टाइमिंग ये सारी आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड्स का टाइम इसमें दिया हुआ है तो मतलब अप्रोक्सीमेट आप मानो 4.5 मिनट का रहेगा। और इसके अलावा आपको 9 फीट डिच वगैरह आपको लगानी रहेगी, जिगजेग आपको बैलेंस क्वालिटी के लिए रहेगा। और ग्रुप सी जो आपके 5 मिनट से जो 3.5 मिनट के जो ऊपर आएंगे उसमें उनके लिए 60 मार्क्स रहेगी ये चीज़ें, और ध्यान रखिए वो 60 मार्क कैसे कैसे हैं, पुलअप्स अगर आपने 10 लगाए हैं तो 10 नंबर उसके, 9 लगाए हैं तो ये चीज़ें, और मार्क्स इसमें 10 के 40 है और 9 के आपके 33 है। ग्रुप सेकंड जो 5 मिनट और 31 सेकंड के बाद से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते हैं वो उनके 48 मार्क्स ऐसे डिवाइड रहेंगे, 8 पुलअप्स लगाने पर 27 नंबर और 7 लगाने पे आपके 21 नंबर रहेंगे, तो ये, और 6 लगाने पे 16 नंबर रहेंगे, तो ये बात रहेगी। तो आपको पुलअप्स और ये आपके डिश वगैरह अच्छे से लगाने हैं ताकि इसमें आपका हो सके सिलेक्शन। और एक और मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर या टेक्निकल इन्वेंट्री या मैनेजमेंट, और सोल्जर इसके लिए ये आप ये मेन मेन ये चीज़ें हैं तो उनके लिए थोड़ी सी इसमें वो छूट रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा, तो फिजिकल मेजरमेंट कैरीड आउट फिजिकल स्टैंडर्ड पारा लिस्ट 2, जो भी उसमें दिया हुआ है जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड रैली साइट पे कि आप कैरी कर रहे हो सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड जो रैली साइट है वहीं पे आपका सारा मेडिकल टेस्ट होगा, अगर आप अनफिट या ऐसे कुछ पाए जाते हैं या आपके कोई दिक्कत आती है तो आपको 14 दिनों के लिए MS या CS सेंटर के अंडर भेज दिया जाएगा, वहां से आपको फिट घोषित होने के बाद में आपको ARO जो अलवर हेडक्वार्टर है वहां पे जाना है, फिर वो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो आपको फिट घोषित कर देंगे। तो रिटर्न टेस्ट होगा जो आपको CE होगा जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आप देख सकते हैं उसकी वेन्यू लोकेशन सारी वहाँ पे, आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे तो उसमें आपको दे रखी होगी और वहां से आपको मिल जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ऐसे कोई एक सेंट्रल की वैकेंसी और एक ही दिन होता है, तो आर्मी उसके लिए अलग से कंडक्ट नहीं करेगी, उसको कोई भी एक चूज करना रहेगा एग्जाम।
और एडमिट कार्ड फॉर सीई एट रैली साइट है ना, एक्सेप्ट रिलैक्सेशन कैंडिडेट विल बी इशूड रैली साइट, जो भी पास कर लेता है फिजिकल टेस्ट फिर उनको एडमिट कार्ड, उनको सीई जो कॉमन एंट्री एग्जाम टेस्ट है उनको रैली के साइट पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एंड सीई रिलैक्सेशन कैंडिडेट रिलेशनशिप स्पोर्ट्स विल बी इशूड आफ्टर वेरीफिकेशन, वेरीफिकेशन होगा उसके बाद में जो रिलेशनशिप या स्पोर्ट्स या एनसीसी कैंडिडेट है उनको, उनके बाद में एडमिट कार्ड उनको मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड फॉर द सी रिव्यू फिट केसेस इन इशू आफ्टर गेटिंग मेडिकली बाय कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट बाय एमसीएच। जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है वो आपको अगर आप फिट नहीं है तो पहले आपको रिव्यू के लिए भेजेंगे, आप फिट होने के बाद में फिर आपको ये दिया जाएगा जो सीएच और एमएच उसके अंडर में आप जाएंगे इसके फिटनेस के लिए। आगे देखते हैं, तो आगे जो कोविड 19 की एडवाइजरी है, जो मुख्य मुख्य एडवाइजरी मैं आपको बताया था हूँ, ये एसिम्प्टिक सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड बाय 48 आवर्स रिपोर्टिंग डे। ध्यान रखिए इसमें एक सर्टिफिकेट बनाओ, अपेंडिक्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको नोटिफिकेशन में ये चीज़ दे रखी है, वहाँ से आप सर्टिफिकेट वगैरह ये डाउनलोड कर ले। सभी कैंडिडेट्स को मास्क और ग्लव्स वगैरह लगाना जरूरी है, ग्राउंड स्टाफ इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको वहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना ये चीज़ें, आपको हमेशा मास्क रखना है और आपके हाथ धोते रहना है, और इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है ना, सरफेस पे अननेसेसरी कोई चीज़ें आप टच नहीं करें, इधर उधर करें नहीं, मेंटेन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही हो, आपको खांसी बुखार जुकाम वगैरह ये चीज़ें नहीं हो, और अगर आप टॉयलेट पेपर वो आप अगर पेपर यूज़ कर रहे हैं टिश्यू पेपर तो उनको सही से डस्टबिन वगैरह में डाल दें, इधर उधर नहीं फेंके है ना, अगर कोई बीमार है तो वो इन्फॉर्म कर दे। कैंडिडेट रिक्वायर टू कैरी मास्क उनको और सैनिटाइजर साथ में लाना है, और फाइनली आप अंत में सेफ रहे सुरक्षित रहे और सबको इससे बचाए रखें। चलिए आगे देखते हैं, ये कोविड 19 के एडवाइस डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या कैरी करना है, डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट या ओरिजिनल विद, देखिए डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो आप लाएंगे ओरिजिनल विद दो अटेस्टेड कॉपी आपको लेके आनी है सारे डॉक्यूमेंट की रैली की साइट के ऊपर, इस बात का आप ध्यान रखें, ओरिजिनल भी ले जाएंगे और दो अटेस्टेड कॉपी ले जाएंगे आप सारे डॉक्यूमेंट की। एडमिट कार्ड लेजर प्रिंटर से निकला हुआ होना चाहिए, फोटोग्राफ आपके होने चाहिए 20 कॉपी होने चाहिए आपके फोटोग्राफ के, ध्यान रखें आप कंप्यूटर के अच्छे प्रिंटआउट से होना चाहिए है ना, 12 महीने से पुरानी नहीं हो, एक साल से। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके जो 10th के 12th के या ग्रेजुएशन के जो भी हो, जो स्कूल कॉलेज बोर्ड के, वो आप ओरिजिनल भी ले जाए और फोटो कॉपी जैसे मैंने बताया कि आप दो सेट में ले जाए वो भी अटेस्टेड करवा के, इस बात का आप ध्यान रखें है ना। नेक्स्ट चीज आपके प्रोविजनल एंड ऑनलाइन एजुकेशनल, अगर कोई कर रहा है तो वो प्रोविजनल वगैरह उसकी डिग्री लेके चल जा सकता है, और इसके अलावा ओपन स्कूल शुड ब्रिंग द ओपन स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट है जो ओपन से भर रखा है तो उसका भी वो लेके जाए। आपके डोमेसाइल सर्टिफिकेट है तो तहसीलदार द्वारा या जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए है ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट डाउनलोड किया हुआ ना वो ले जाए। कास्ट सर्टिफिकेट आप किस कास्ट के है तो कास्ट जो भी आपका है जो भी आपकी जाति का जो है वो आप लेके जाए वहाँ पे, जो वेरीफाइड हो आपके उस पर कोई QR कोड आता है वो वैसा वाला आपको निकला हुआ होना चाहिए, पुराना वाला नहीं होना चाहिए है ना। उसके अलावा रिलीजन सर्टिफिकेट आपका कोई धर्म का कोई सर्टिफिकेट हो तहसीलदार SDM से वो भी सर्टिफाइड हो और उसको आप ले जाए, जो भी आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या ऐसा कुछ हो तो है ना। और स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल उससे वो जारी किया हुआ होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक आप जो आपका सरपंच होगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा अगर आप शहर में रहते हो तो उनके द्वारा जारी किया वो होना चाहिए आपके पास में, और उस पर विद फोटोग्राफ के साथ में। चलिए नो क्लेम सर्टिफिकेट, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते किसी चीज़ के ऊपर है ना, साइंड सेल्फ फादर मदर गार्जियन विलेज सरपंच है ना, ऑन रिस्क ये सब अपनी जो भी लॉस होता है कुछ होता है तो वो रिस्क पे रहेगा, इसके लिए कोई किसी पे आप क्लेम नहीं कर सकते सरपंच वगैरह पे या जो भी आपको मजिस्ट्रेट या जो भी आपको सर्टिफिकेट दे रहा है। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या विलेज सरपंच के द्वारा इशूड, उस पर आपकी फोटो लगी हुई है और 21 साल आपकी एज कि भाई 21 साल का यार अनमेरिड है ये चीज़ होनी चाहिए, जो भी आपकी एज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो आप एक फॉर्मेट दे रखा है अपेंडिक्स सी वो भर के उसमें आप उसको दे सकते हैं, इसमें एक अपेंडिक्स डी का और फॉर्मेट है जो इसमें आपको एफिडेविट अटैच करना है और उसके ऊपर नोटरी वगैरह करवानी है और वो आप सर्टिफिकेट आप भर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप का हो गया। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो प्रोविजनल है या जो कोई भी है ABC कैटेगरी का है उसको आप भर दें और उसको भी अटेस्टेड वगैरह करवा दें। इसके अलावा स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट करके जो भी है उसको भी अटेस्टेड वगैरह करवा दें, और एफिडेविट इसमें 10 रुपये का एफिडेविट आएगा जिसको आपको नोटरी करवाना है ड्यूली और फिर आपको इसको वहाँ पे साथ में लेके जाना है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। जो अपेंडिक्स ए इसकी ऑफिशियल PDF है उसके अंदर दिया हुआ है।
ठीक है दोस्तों, ये भी ऑफिशियल पीडीएफ का ही आपको सारी मैं बात बता रहा हूँ। और सिंगल बैंक अकाउंट लास्ट में जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो आपका बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में हो, ताकि आगे जाके आपको जो भी भत्ते वगैरह मिले, तो जो भी बेनिफिट मिले आर्मी की तरफ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। तो आधार कार्ड तो आपको ले जाना ही ले जाना है रैली के पर्पज से। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट शुड ब्रिंग लिंक्ड मोबाइल नंबर, उसका होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। ये फाइनल जब आप सिलेक्शन होगा तो उसमें काफ़ी काम आएगा। मोबाइल फोन नॉट परमिटेड इन आस्किंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन, है ना। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम या रैली के साइड पर आप वहाँ पे ये नहीं चीज़ नहीं कर सकते, अभी लेके आ जाए वो चीज़ कर ले। और सामान्य निवास प्रमाण पत्र इज रिक्वायर्ड पर गवर्नमेंट राजस्थान वेबसाइट, जो राजस्थान की वेबसाइट है ई मित्र की, वहां से आपको ये एक सर्टिफिकेट निकल जाएगा सामान्य निवास प्रमाण पत्र, इसको आपको ले जाना है। ये इस तरह का रहेगा जिसमें आपको अपने नाम पते वगैरह सारे भरना है, और ये आपके स्क्रीनिंग के टाइम पे यूज में आएगा। ठीक है दोस्तों, सर्टिफिकेट की आप भी 18 साल की एज का है, अगर ऐसा कुछ है तो आपके सिविल सरपरा कम है, या आपके गार्जियन के द्वारा ये आपके भरा हुआ होना चाहिए जिसमें उनके साइन वगैरह हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन हो, अगर आप 18 साल से कम, 17.5 या ऐसे ही कुछ है तो। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। फिजिकल जो आपका होना चाहिए वेट और हाइट, ये इसके प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो 46 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, और 17 से 20 एज वालों का ये होना चाहिए, और 20+ का आपके ये होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप जो जो भी हैं ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। आपका जो भी हाइट, जैसे आपकी 172 है तो आपका 53 किलो आपका वेट होना चाहिए, और 17 से 20 की में है तो आपका 64 किलो, और 20 से ऊपर है तो आपका 67 किलो ही होना चाहिए। तो ये मेन मेन बात है इसकी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर के सफिशियंट ड्रिंकिंग वाटर आप वहाँ पे ले जाए, आपको जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर सफिशियंट वहाँ पे लेके जाए रैली में। और इसके अलावा अगर कोई डुप्लीकेट या कोई ऐसे फर्जी बना के लाता है तो उनको आर्मी वाले पुलिस को सौंप देंगे। आप ऐसा कोई भी फर्जी काम नहीं करें कि आप बना के ले जाए ये सारी चीज़ें, तो सारी ओरिजिनल लेके जाए, एडमिट कार्ड वगैरह ऐसे कुछ गलत नहीं ले जाए। और इसके अलावा आर्मी फ्री सर्विस, अगर बाद में पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह फर्जी थे तो उस स्टेज पर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। एज, एजुकेशन और सारे क्राइटेरिया वगैरह आप चेक करके ही आप रैली में आए, ऐसा नहीं आपके कम हेयर में ट्राई कर लो या मेरे ज़्यादा हेयर में देख लो, तो और इससे आपको वहाँ पे वो रैली के अंदर भाग नहीं लेने देंगे। टेकिंग ब्राइब प्रोडक्शन बोगन फेक सर्टिफिकेट, अगर कोई देखिए ये आपके जो रिश्वत लेना देना ये सारे मना है, अगर कोई सर्टिफिकेट अगर फेक वगैरह ये बनवाता है तो लोग के अंदर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट में आपने अगर काट छाट कर रखी है या कुछ सील या मोहरों के साथ में छेड़छाड़ कर रखी है तो वो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखें, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द वेरीफाइड गवर्नमेंट एजेंसी, जो भी आपके सर्टिफिकेट हो जो वेरीफाइड गवर्नमेंट एजेंसी हो उनके हो, अगर वो लीगल अगर सारे नहीं होंगे, उसमें किसी तरह की कोई फेक पाया जाता है या कोई भी उसमें दिक्कत रहती है, तो आपको रिक्रूटमेंट के टाइम पे या जब भी पता चलेगा तब आपको वो सारी चीज़ें आपको आर्मी से टर्मिनेट कर देंगे और आपको उसी समय हटा देंगे, सारे बेनिफिट आपके ले लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आर्मी के दौरान आपकी डेथ या कोई इंजरी या कोई चोट वोट कुछ लग जाती है तो आर्मी उसकी जवाबदेही नहीं होगी, या आप टीए वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रैली भर्ती के लिए आ रहे हैं तो आप देखो किराया वगैरह मिल जाए तो वो आर्मी की तरफ से नहीं मिलेगा। जो आपकी परफॉर्मेंस, इसके अलावा अगर आप रैली में दौड़ने के लिए शराब वगैरह या कोई नशे की कोई चीज़ लेके अगर दौड़ते हैं और आप पाए जाते हैं तो आप पर बैन कर दिया जाएगा, आप कभी भी आर्मी की भर्ती नहीं भर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये मुख्य मुख्य चीज़ें। इसके अलावा टैटू है तो टैटू आपके अंदर बॉडी पे चल सकता है लेकिन बाहर ऐसे दिखता हुआ बाहर अगर वैसे होगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे और बाद में आपको टैटू ये हटाना ही पड़ेगा, तो टैटू की समस्या हो तो आप इसको एक बार देख लें। इसके अलावा 180 दिन के आपके स्क्रीनिंग मेडिकल का टाइम मिलेगा, है ना, तो अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो वो वापस कैंडिडेट को रिव्यू के लिए भेज देंगे। और सिलेक्शन इज प्रोविजनल, राहदारी सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, वो डिस्पैच फिर ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉचेस और इस तरह के इक्विपमेंट रिटन टेस्ट के लिए जरूरी नहीं माने जाएंगे। अगर आप रिटन टेस्ट में मोबाइल फोन या स्मार्ट वॉच वगैरह लेके जाते हैं या कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो आपको वहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा सीई के अंदर, ध्यान रखें। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू देयर ओवन इंटरेस्ट एंड अंडरगो मेडिकल एग्जाम बिफोर कमिंग द सिलेक्शन, स्पेशली रेस्पेक्ट टू द पुअर फूट विजन, जो भी आपकी दिक्कत है आप कोई है तो एक बार उसको एक बार देख ले, और इसके बगैर आप जाए नहीं, पहले एक बार प्रायर डॉक्टर से या एक बार कंसल्ट कर ले रैली में जाने से पहले,
तो ही आप, नहीं तो आप रैली में नहीं जाए अगर कोई इस तरह कोई दिक्कत है तो। तो ये देखिए इसकी मेन मेन बातें हमने डिस्कस कर ली है, इस आर्मी रैली जो अलवर में निकली थी। तो दोस्तों और इसकी जो एक आध और है कि आपके नेगेटिव मार्किंग होगी सीई में, ध्यान रखे अगर आपने क्वेश्चन गलत किए जैसे 3/1 या 4/1 के 4 गलत किए तो 1 सही कट जाएगा। इसके अलावा जो रिजल्ट आपका आएगा डिक्लेयर होगा वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा, आपको अलग से कोई भेजा नहीं जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस टेलीफोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये आर्मी हेडक्वार्टर के हैं और ये सारी जो गाइडलाइन जो आर्मी के द्वारा जो बताई गई है ज्वाइन इंडियन आर्मी द्वारा है, फरवरी 2021 में ये चीज़ हुई है और जो कर्नल रैंक के जो डायरेक्टर AR अलवर उनके द्वारा ये वैकेंसी दी जा रही है। तो आप ध्यान रखिए ये मेन मेन बातें हो गई, अगर आप जो भी अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच कर रहा है तो आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल के साथ बने रहे ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके आगे की आने वाली वैकेंसियों के अंदर।